अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ खैर वापस होंगे। ईद से सबकी अच्छी गुजर की होगी। अब जी जैसे ईद खत्म होगी तो शादियों में मौसम शुरू हो चुका है। कल भी मैं एक शादी पे था, परसों भी था, और आज भी एक दोस्त है, उसकी सिस्टर, उनकी सेरेमनी है बारात की, तो भी निकलना है। और मौसम देखेंगे कितना रश होता जा रहा है। ये देखें बारिश कितनी ज़्यादा हुई है और इससे पौधे शौधे कितने साफ़ हो गए हैं, कितना फ्रेश लग रहा है हर चीज़, लॉन शॉन, फूल शूल, और ये सारा जो है साफ़ सुथरा हो गया। तो बस ये अभी घर पे भी कोई नहीं है, अकेला हूँ एक दो दिन से, तो अभी ये है कि कुछ खाने शाने का सिस्टम करते हैं और फिर साथ में जो अपने कपड़े शपड़े भी देखने हैं कि कौन से कपड़े पहन के जाने हैं। और खलार शलार मैंने वाह डाल दिया, तो क्योंकि जब अकेला बंदा हो ना तो फिर बस खलार शलार बहुत डलता है। बात तो सही है। तो क्या कर सकते हैं जी। क्या जी, वेलकम करता हूँ आपको ब्रांड न्यू ब्लॉग के अंदर। तो जी लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं। मोहसिन को चैनल का नाम है। और ये देखें जी क्या चिकना मौसम है जी, ज़बरदस्त बारिश इंतहा की हुई है। ये सारा लॉन जो है वो गीला है। और ये चेक करें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त हवा चल रही है। ये देखें ना, बारिश भी टापो टाप हो रही है। शायद कैमरे में थोड़ा सा नज़र आ सके, कनियाँ हल्की हल्की हैं। और ये नीचे तो अन्नी पै चुकी है। ये देखें, ये मेरे घर का लॉन है। और बहुत ही ज़्यादा जो है ना बारिश हुई है और अभी भी हो रही है। तो बस अभी चल के तैयार शायद होना है, तो फिर निकलना है शादी पे। A few moments later. तो भाई कुछ खाने को भी देखते हैं। घर में तो है कोई नहीं है, तो देखते हैं घर में कुछ खाने शाने के लिए कुछ घर में कुछ बंदोबस्त करके दिया है कि नहीं। तो डेली मिल्क चॉकलेट है और कुछ फ्रोजन आइटम चेक करते हैं, साथ फ्राइड फ्रोजन आते हैं। ओए याशी लग गई, याशी भाई याशी, ये खाते हैं चल के, इसको फ्राई करते हैं। इसमें है भी कि नहीं खाई, वो है कि ये तो वो है, ये तो भाई ठंडल फिले है, लेकिन चलो बर्गर नहीं है, इसको वैसे उड़ाते हैं, चल के बना लेते हैं। साथ में भाई फ्राइज बनाते हैं। अब एक हाथ से फ्राइज बनाऊंगा और एक हाथ से ब्लॉग तो नहीं बन सकता, तो बस ये भी मैं धो लेता हूँ और फिर फ्राइज जब बनाऊंगा तो फिर आपको दिखा देंगे। और बनाएंगे लेस की तरह के, ये वेट करें। अब इधर से हमने ऑयल भी रखा गर्म होने के लिए, ये भी हो जाता है। और फ्राइज भी कट देंगे, जब बन जाएंगे तब आपको फिर दिखाएंगे, क्योंकि एक हाथ से ब्लॉग बनाना और एक हाथ से आलू काटना बड़ा औखा काम है। तो बहन सब्र करो थोड़ा। भाई साहब जुगाड़ लगा के मैंने थोड़ा वीडियो आपको दिखाई दी है कि मोबाइल टिका के, जब तक ये आलू हम छील दें और अभी ये भी रहता है, तो भाई तब तक हम इसको फ्राई करते हैं थंडर को। इसमें भी अभी टाइम लग जाएगा। भाई साहब हमारा थंडर पीस तो रेडी हो गया है। अब फ्राइज डालते हैं, चिप्स लेज, ये देखिए तो रेडी हो गया। इसको हम इसके माइनस के साथ खाएंगे। अब हमने ये भी डाल दिया, फ्राइज भी तकरीबन रेडी हैं। Few inches later. लें जी, ये मियस्ट जो चिप्स बन चुके हैं। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। और बिल्कुल लेस जैसे क्रंची भी आपको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आवाज सुनिएगा। ये भी चेक करते हैं जो पीस हमने अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, चक्की बात नहीं पाए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाय हाय हाय, क्या क्रंची बने हैं। अकेले में बंदा हूँ ना, टेंशन नहीं होती, जैसे मर्जी काम करता है। अन्य वाह, समझ रहे हो, समझ रहे हो। बस इतना क्रंची है, लगे लेस खा रहे हैं। क्रच 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 क्रच, ये चक्की चक्की मारते हैं इसकी भी, पीस की भी। चाचा आ गया, बस अभी निकलते हैं थोड़ी देर में, इसको मुकाबले फिर निकलते हैं। तो जी भाई जब बंदा घर में कहता फिर ना आवाज पूछने जिसने वाला ना हो, तो फिर ऊपर से शादी भी पड़ गई तो जाना पड़ता, फिर कपड़े भी खुद इस्त्री करने हैं। मैंने गंशन बड़ा मचाया है, 5-6 सूट में इस्त्री किए हैं। चल झूठा, समझ नहीं आ रही कि अब ये दिखाऊँ, ये पहनूँ, ये ब्लू पहनूँ, ये ब्लैक पहनूँ। ये तो बड़ा खलाश लाया मैंने, डाल दिया जी, ये देखें, लेकिन समझ नहीं आ रही कौन सा पहने। तो बस अभी थोड़ी देर तक निकलते हैं जी। प्रेस पूस मैंने सारे कर लिए हैं। A few moments later. जी मैं रेडी हो गया हूँ और मैंने ये वाला चूज़ किया है, इसमें से ब्लू सूट। तो बस अब निकलते हैं शादी पे। मौके की मुनासबत देखेंगे, वहाँ देखेंगे सब दोस्त क्या पहने हैं, उस मुताबिक हम पहने। ये मैंने वेस्ट कोट रख लिया जी, वाइट वाली, और ये मैंने ग्रेस जो है वो कोट रख लिया अपना। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से। मौसम भी है और बारिश भी हो रही है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जी बना हुआ है मौसम। सही चक्कर है, बस निकलते हैं अब अपने वेन्यू शादी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, लेवल की बारिश हो रही है और मैं बस निकल गया हूँ। अभी थोड़ी देर में हम जो है वो घंटे डेढ़ में पहुँचेंगे। मैंने पहले एक लाहौर में काम है और वहाँ पे जाना है और उसके बाद फिर शादी पे अटेंड करना है। तो अभी देखें ये लेवल की बारिश है और दो दिन से बारिश हो रही है। मौसम बड़ा लेवल का हो गया जी, लश मौसम बन चुका हुआ है। टोल प्लाजा पहुँचा नहीं, यहाँ पे इतनी ट्रैफिक है क्योंकि हर बंदा जो ट्रैवल कर रहा है। आज लास्ट ईद की छुट्टी थी, कल से वर्किंग डे है और लाइन में आपको दिखाता हूँ कितनी लंबी लाइन है। अभी टोल प्लाजा यहाँ से काफ़ी दूर है। यहाँ पे जो सिचुएशन है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक घंटे से पहले जो हम टोल प्लाजा को क्रॉस कर सकेंगे, हालांकि यहाँ से सिर्फ 200 मीटर्स पे जो है टोल प्लाजा है और यहाँ पे कितनी ट्रैफिक है। तो पीछे हज़ारों के हिसाब से गाड़ियाँ लगने लगता है। शादी जो है ना वो तो फिर बढ़ जाएगी। बहुत लंबी लाइन है अभी तो, बहुत ज़्यादा। हम जो 200 मीटर का जो था एक पैच उसको हमने एक घंटे में क्रॉस कर लिया है। फिर निकलते हैं यहाँ से फटाफट शादी की तरफ। 4 hours later मैं तो हॉल पहुँचूँ, बाकी दोस्त भी नहीं आए। नादर भाई से मिलते हैं जिनके हम फंक्शन पे आए हैं। शायद देखें मैं पहुँच गया हूँ, वो लोग नहीं पहुँचे अभी तक। सर ताबेदार सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर वो नहीं पहुँचे। सर आपने वेस्ट कोट पहनी है, मैं सर अपनी पहन के। सर पहने आप, जल्दी से पहने, जल्दी जल्दी पहने। पहनी तो वेस्ट कोट थी लेकिन अभी बस दोस्तों का टाइम था, मैंने कहा चलो भाई वेट करते हैं। तो जिसका एक बटन जो है वो फारिग हो गया है। ये चेक मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये मैंने रखा है, ये तो ये लग नहीं रहा तो भाई अब कोट पे गुजार करना पड़ेगा। ये पीछे मैंने रखा है, कोट पहन लेते हैं फिर और फिर वेट करते हैं अपने दोस्तों का। दोस्तों का वेट कर रहा हूँ, बारात आ गया है बग्गी पे। चेक कराते हैं आपको। हाँ जी पहुँच गए हो बहन, लेकिन आपने ना वो कर लिया है, टाइम नहीं पूरा किया आपने। आपने 8:45 कहा था, 9 बजे भाई। वो स्लो आओ, तेज आओ, ये आपका मसला है भाई। वो फरहान भाई कहते मैं बाहर खड़ा हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? छोटा फरहान है भाई, लेकिन इसमें ये 15 मिनट पहले मैं आ गया। आप मुझे कह रहे हैं भाई खड़ा हूँ घोड़ों के पीछे, घोड़े तो वो खड़े हैं। सारी फिल्म बाज हैं। एक मैं शरीफ तुम लोगों को मिल गया हूँ, एक नवाज शरीफ, एक आज शरीफ, एक मैं शरीफ। बात तो सही है यार, चीज़ें भी नहीं लेके आए यार। वो उसका मसला ही बना है कि क्या नाम है उसको, एमरजेंसी कॉल आ गई उसके भाई, एमरजेंसी हो गया ना, बिल्कुल काम छोड़ गया। फिर वो कहते यार, फिर वो कहता मैं चीज़ खाना खा रहा हूँ। हाँ वो कहता था चीज़, बस यार छोड़ दो। तो नहीं होता है। जी खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं फिर आपसे। जी खाना लग चुका है और अभी फिर खाने के बाद जी फिर इंशाल्लाह निकलते हैं, फिर मुलाकात होती है। थोड़ा टाइम दीजिए हमें, खाने के बाद मुलाकात होगी। 1 hour later जी शादी से फारिग होकर मैं घर आ गया था। थकावट काफ़ी हो गई है क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक थी आज। तो बस अभी घर पहुंचा हूं, 1:30 बज चुका है। तो जी अभी मैं आज का व्लॉग यहाँ पे कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह नेगेबान। लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं। अल्लाह हाफिज़।